हेलो एवरीवन, सो यार कैसे हो सभी लोग। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द KVPY स्कोर कार्ड। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि हम अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बिकॉज हमारा जो नाम है वो रैंक लिस्ट के अंदर नहीं आया है, या फिर हमें जो हमारी रैंक शो नहीं कर रही है, या फिर हमें जो हमारी रैंक शो कर रही है वो सिर्फ रैंक है। हमें हमारे मार्क्स चाहिए कि कितने मार्क्स आए, हमारे नाम में क्या प्रिंट हुआ है, क्या नहीं प्रिंट हुआ है, हमें सारा का सारा डिटेल चाहिए। तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? जैसे हमारा जो मार्कशीट मिलता है KVPY का, वो मार्कशीट कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करूँ मैं, राइट? सो एक बड़ा क्वेश्चन था। वन सेकेंड, सॉरी, हेल्थ इशू था थोड़ा, ठीक है। सर जो भी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो आपको जो अपनी वेबसाइट पर दिख रहा है दिस इज एन फेलोशिप प्रोग्राम, इसका बेसिकली क्या मेन होता है, यानी कि जिन बच्चों को KVPY वाले स्कॉलरशिप देंगे ना, उनकी लिस्टें जारी की है उन लोगों ने। अब जिनको अपना स्कोर कार्ड चाहिए, यानी कि जिसके माइनस में नंबर आए हैं, जिसके एक नंबर आया है, जिसके दो नंबर आए हैं, अगर उनको जो अपना पूरा का पूरा स्कोर कार्ड चाहिए, वो कब डाउनलोड कर सकते हैं? तो यार इसके रिगार्डिंग नीचे एक नोटिस दिया गया है, इन द मंथ ऑफ द जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर आप जो है अपना स्कोर कार्ड इंडिविजुअल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटाइल आए हैं। अभी सिंपली जो कट ऑफ दी गई है वो KVPY फेलोशिप की दी गई है। KVPY फेलोशिप का मतलब होता है कि आप जिस भी कॉलेजों में जनरल डिग्री के कोर्सेज करने वाले हैं, जैसे BStatic, कंप्यूटिंग, जो भी बी मैथमेटिक्स, BSc, जो भी इसके अंदर जो कोर्सेज दिए गए हैं KVPY फेलोशिप के अंदर जो कोर्सेज आते हैं, अगर आप वो कोर्सेज करते हैं और अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, देन आपको करना क्या है सर, आपको जो है ईमेल आया होगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको पर्सनली ईमेल आया है। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी मेल चेक कर रहे हैं और मेल के अंदर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या करना है यार, आपकी ईमेल जो है तीन ऑप्शन के अंदर डिवाइड होती है। एक जनरल ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास प्रमोशन का, ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन आता है सबसे नीचे नीचे। अगर आप मोबाइल में चेक कर रहे हैं देन आप उस बॉक्स को क्लिक करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्पैम का, ठीक है। स्पैम के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं तो स्पैम के अंदर जो है आपको मिल जाएगा ये। इस पे में जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ईमेल आया होगा IISc की तरफ से, एंड उसके अंदर जो आपको डिटेल दी गई है रिगार्डिंग द कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, राइट? सो डॉक्यूमेंट में जनरली क्या क्या मांगते हैं वो लोग, यानी कि अगर आपको KVPY फेलोशिप चाहिए तो आपका जो है एक कार्ड बनेगा, ठीक है, स्पेशल कार्ड बनेगा आपका, यानी कि जितने भी देश की लेबोरेटरीज है, अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज है, नेशनल लेबोरेटरीज है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आपको फुल परमिशन रहेगी। जो भी हमारे हेडक्वार्टर्स है, जितने भी अच्छे अच्छे रिसर्च लेबोरेटरीज के, रिसर्च सेंटर के, स्पेशली चाहे वो आईशर हो, होमी जागीर भाभा हो, ठीक है, एंड जैसे भी NPL का रिसर्च सेंटर है, एंड जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर है, तो जो भी है आपके पास फुल परमिशन रहती है, कार्ड रहता है, आप प्रोफेसर के साथ काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है, एंड फेलोशिप के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे। जैसे आपको फेलोशिप मिलती है, फिर आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट सबमिट करनी है, देन जो आपका फीस है वो जो भी आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको सिंपल प्रोसीजर ईमेल पे दिया गया है, आपको कोई इश्यू आ रहा है देन जो है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, एंड हमारा जो है मिशन गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके अंदर आप हमारी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। क्या होता है बेसिकली, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि अबेयर को जनरली करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है IIT में एडमिशन हो रहा है, सर मैं 5000 के लिए क्या मैं जनरल BSc कोर्स कर लूँ, इस 5000 रुपये के लिए क्या मैं IIT की सीट छोड़ दूँ, राइट? सर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका IIT में अच्छी ब्रांच में हो रहा है देन आप 5000 रुपये के लिए, आप 7000 रुपये के लिए KVPY फेलोशिप के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका IIT में हो रहा है देन आप IIT में एडमिशन लो ना यार, KVPY में क्या रखा है, ठीक है, 5000-10000 तो मतलब IIT वालों के कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम KVPY स्कॉलर, आई एम IITian, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और जनरली जो सिलेक्शन होता है वो IITian ही होते हैं, उनके JEE एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आती है। अगर आपके भी आ रही है KVPY में बहुत अच्छी रैंक आई है, देन गारंटी है आपके भी JEE एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आएगी और आप ही एक IITian मेरी तरह बन जाएंगे, ओके? सो जिन भी स्टूडेंट के अच्छी रैंक आई है, अच्छी बात है, मेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। जिसके भी कितनी रैंक आई है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे इतनी रैंक आई है। जिसको भी अपना इंटरव्यू देना हो
वो भी जस्ट बता सकता है। एंड बेसिकली उनके ईमेल ढूंढ के हम ईमेल भी डाल देंगे, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे भैया जो भी इलेवंथ वाले बच्चे हैं, उनके जो सीनियर हैं या फिर उनके जो साथी हैं, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, तो उनके भी आपको रिव्यूज इस चैनल पर मिल रहे होंगे, तो जस्ट सब्सक्राइब करके रखो। अब यार बेसिकली क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे बी स्टैटिक है, कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, मैनी कोर्सेज है, बीएससी के अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, बीटेक के ऑप्शंस हैं, तो भैया मैं कौन से चूज करूँ, राइट। मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही है, मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, आईसीएर में मेरा एडमिशन कैसे हो जाएगा, आईएएससी के लिए क्या करूँ मैं, अब जनरली करना क्या, मुझे जेई मेन पे फोकस कर रहा हूँ, जेई मेन दे रहा हूँ, जेई एडवांस दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन है नहीं, ट्वेल्थ में इतने मार्क्स है, मेरे को इस कॉलेज में दिल्ली में चाहिए, बेंगलोर में चाहिए, तेलंगाना में चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। चार इसके लिए जो हमारा पर्सनल जो है सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहा है, जिसके अंदर इन योर डिजायर कॉलेज डिजायर ब्रांच एडमिशन कराया जाता है हमारी टीम की तरफ से, एंड द लास्ट 3 ईयर्स इन आई एम वर्किंग दिस फील्ड, सो यू मस्ट इनरोल नाउ। अगर आपको अच्छा लगता है देन आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। अगर आपका एडमिशन बाई चांस नहीं हो पाता इन द आईएएससी आईसर नाइसर जिस जो भी अगर आपने फॉर्म फिल किया हो, जैसे जोसा काउंसलिंग सीएसएबी, देन हमारी तरफ से फुल ट्राई किया जाता है कि एज पर पॉलिसी आपका रिफंड कर दिया जाए। लेकिन इन द लास्ट 3 ईयर्स जो है जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों का हो जाता है इन द अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, रिसर्च कॉलेजों के अंदर, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं यार इंडिया के अंदर, ओके, सो दस यू फुल बी ग्रेट। अगर आपको कोचिंग चाहिए QPY की, तो गूगल फॉर्म दिया गया, उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है इन द टॉप फैकल्टी फ्रॉम QPY स्कॉलर्स एंड IITs से, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे रैंक भी निकाले हैं, एंड आप भी जो है 50 से नीचे रैंक आई है बहुत सारे स्टूडेंट की, ठीक है, तो जल्दी मिलाएंगे उनको, सब्सक्राइब करके रखिए, थैंक यू।